गाइस वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा इसकी इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे सिक्स है और डे सिक्स में आज जो हम सीखने वाले हैं गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिए। ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि हमने जो पिछले क्लास में सीखा था गाइस वो कुछ इस प्रकार था कि मैं उदास हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक लड़का हूँ। ऐसी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया था। मतलब आई एम के साथ यूज करना सीख लिया आपने। उसके बाद आपने ये भी सीख लिया कि आई एम अ बॉय, ओके गाइज, ऐसे भी आपने सीख लिया गाइज। और ए और एन के साथ और एम के साथ हमने पूरे सेंटेंस को बनाना सीख लिया, ठीक है। आज जो हमारा डे सिक्स क्लास में इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे सिक्स में जो सिक्स में हम लोग जो जानने वाले हैं फर्स्ट स्टेट के बारे में। यस, स्टेट आई मीन हालत, अपने हालत को बताना है। तो चलिए वो किस ढंग से हमको बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग आज सीखने वाले हैं। जैसे कि पढ़ेंगे नॉट, नॉट के साथ बनाएंगे हमने आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है गाइज। ये चीज़ें हम लोग आज जानेंगे, आई एम के साथ नॉट जोड़ेंगे, ओके गाइज। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पर मिले। ऐसे वीडियो हमारा देखते हुए गाइज वेल, आज जो हम सेंटेंस सीखने वाले हैं वो स्टेट के बारे में, मतलब अपने हालत को बतानी है कि आपकी हालत कैसी है, बुरी है, अच्छी है, ऐसे चीज़ें आज बताएंगे और उसके साथ हम नॉट यूज करते चलेंगे, ओके। आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, ओके गाइज। आई एम नॉट क्रूल, आई एम नॉट सनी देवल, ऐसा ना। आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ गर्ल, ऐसे बोलेंगे। तो सिंपली हम लोग ऐसी चीज़ें आज रिपीट करते चलते हैं। आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ चीप, आई एम नॉट बॉय, आई एम नॉट हंगरी, आई एम नॉट ट्री, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट टिल, आई एम नॉट फैट, आई एम नॉट थिंक, आई एम नॉट वाइट, आई एम नॉट ब्लैक, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट क्रूल, आई एम नॉट एन अंकल, आई एम नॉट एन आंटी, आई एम नॉट एन ग्रैंड पा, आई एम नॉट अ ग्रैंड पा, आई एम नॉट अ मदर, आई एम नॉट अ ब्रदर, जैसे चीज़ें हम लोग को ऐसे यूज करते हुए। देखिए गाइज आपको पूरे बोलते हुए चलनी है। सो गाइज आई एम अ नॉट बॉय, आई एम अ गुड बॉय बट आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट गुड बॉय, ओके गाइज। आई एम अ नॉट बैड बॉय, आई एम अ नॉट सेंसेटिव, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट चाइल्ड, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट वॉशरमैन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट नॉट गुड, आई एम नॉट चीप, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट वट ऑनर, आई एम नॉट शॉपकीपर, आई एम नॉट बैट्समैन, आई एम नॉट प्लेयर, आई एम नॉट हॉकी प्लेयर, आई एम नॉट वॉशकीपर, आई एम नॉट वॉशरमैन, आई एम नॉट एवरीथिंग। ये से चीज़ें आपको गाइज पर डे आपको रिपीट करनी है, ओके गाइज। सो जितने भी सारे मैंने सिर्फ आपको क्या करनी है, क्या सुननी है, एयरफोन कान में लगाइए और वीडियो को आप स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ आप एयरफोन कान में लगा करके आराम से सुनिए और आपको क्या करना है, रिपीट करनी है जो मैं जितने भी सारे मैं सेंटेंस को बोल रहा हूँ आपको रिपीट करनी है, बार बार उसे रिपीट करनी है, बोलते हुए चलनी है। देखिए आपके माइंड में आपको किस ढंग से वो घूरते चलेगा, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड में एक बार अपलोड हो जाएगा कि फिर आप दोबारा नहीं बोलेंगे। तो ऐसे आप वीडियो को देखते हुए डे बाई डे देखिए, मैं हर एक दिन अलग अलग चीज़ें सिर्फ 60 दिन में आपको कंप्लीट करने वाला हूँ, ओके गाइज। ओनली फॉर 60 डे लगेगा, कंप्लीटली आई विल टीच यू ओनली फॉर 60 डे, ओके गाइज। सो नाउ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई ओनली वॉन्ट टू से वन थिंग, नेवर गिव अप। आपको कभी हार नहीं मानना है, आपको कभी हेजिटेशन नहीं, और डोंट हेजिटेशन, यू शुड नॉट हेजिटेशन, तुम्हें डर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको हार माननी ही नहीं चाहिए कोई भी चीज़ में। जिस दिन आप हार मान लोगे उसी दिन आपकी, मतलब जिस दिन आप हार मान लिए उसी दिन आपकी हर एक चीज़ समाप्त हो गई,
जब तक आप हारे नहीं हो तब तक आप सक्सेसफुल हो। जब जिस दिन आप हार गए तो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल आप हो जाएंगे। सो प्लीज़ गाई, आई विल सजेस्ट यू कि नेवर गिव अप। ओके, सो नाउ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके गाई, जैसे आपने अभी देखा कि आई एम अ गुड बॉय, ऐसा हमने इस ढंग से, इस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाया और सीखा। ओके, देखा आपने, जैसे आई एम नॉट सीपर शॉपकीपर, आई एम नॉट एन आंटी, आई एम नॉट अ गुड बॉय, ऐसे चीज़ें हम लोग ने सीख लिया। अब उसमें हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं गाइस, ठीक है। जैसे आप उन चीज़ों में हम लोग एंड जोड़ेंगे, एंड और जोड़ेंगे, ठीक है गाइस। जैसे कि आई एम अ हंगरी एंड थर्स्टी, मैं भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ। ओके गाइज, एंड के साथ ऐसे चीज़ें हम लोग बनाएंगे और एंड जोड़ते चलेंगे। ओके, आई एम हंगरी एंड थर्स्टी, आई एम सैड एंड डिसअपॉइंटेड, आई एम यंग एंड ब्यूटीफुल, आई एम टायर्ड एंड स्लीपी। ओके, ऐसे चीज़ें आपको बोलना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे चीज़ें आपको सेंटेंस में यूज करते हुए जाना। जैसे कि आई एम अ बॉय एंड ब्रदर, आई एम अ गुड एंड बैड, मैं अच्छा भी हूँ और बुरा भी हूँ। ओके गाइज, ऐसी चीज़ें आपको यूज करते हुए चलनी है। मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, आई टीच एंड रीड, मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। ओके, हम लोग अब इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, अब हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, मतलब तीन तीन चीज़ों को जोड़ना है, कुछ बढ़ती हुई जानी है मुझे गाइस। यस, आई एम क्विक, कॉमा लगाना है, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। तो ये कॉमा आपको क्या होता है, देखिए कॉमा आपको फर्स्ट वर्ड में ही लगाना है। और तो जब तीन सेंटेंस, कोई भी तीन पर्सन हमारे एक सेंटेंस में कोई आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन में हमें कॉमा लगा करके आगे बढ़नी है, और तीसरा जस्ट सेकंड के बाद हमें एंड का यूज करनी है। जैसे क्विक, आई एम क्विक कॉमा इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ओके गाइज, एंड हैंडसम। आई एम सैड कॉमा डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, आई एम क्विक इंटेलिजेंट एंड बैड। प्लीज़ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने आज जाना। तो चलिए फिर कुछ नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं और जानते हैं। कुछ इसी में हम लोग कुछ अलग चीज़ें सीख लेते हैं गाइज। जैसे मैंने अभी तक नाम के साथ कोई चीज़ यूज करना नहीं बताया, जैसे कि ही सी नेम इट इज के साथ हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे इसको लेकर के। ओके गाइज, तो जैसे अमन इज सैड, अब देखिए अमन इज सैड, अमन इज टायर्ड, दे आर रेडी, दे आर ऑनेस्ट, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर वंडरफुल, दे आर गुड। हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, मैं अपने बारे में खुद जानना सीख लिया, उसके बाद हमने इज और आर एम को यूज करना सीखा। ओके गाइज, हमने आई एम एम के साथ यूज करना सीखा, हमने जो सीख लिया आई एम अ गुड, आई एम अ बॉय, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम के साथ नॉट सीख लिया। ओके, ही सी इट इज द इट दे वी के साथ हम लोगों ने ये चीज़ें सीख ली। और अभी तक हमारे जिन जिन भाई ने, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक क्लास 1, 2, 3, 4, 5 क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से हमारा 1, 2, 5 क्लास को आप देख पाएंगे। और ऐसे वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। ओके गाइज, फिर चलिए मैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ क्लास डे 7 क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय।